चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो भी हमें फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स थैंक्स अ लॉट। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्विट स्मोकिंग, यानी धूम्रपान कैसे छोड़ें, धूम्रपान कैसे क्विट करें। और इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे और इस वीडियो को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ स्मोकिंग, धूम्रपान क्या है एंड टाइप्स ऑफ स्मोकिंग की स्मोक्स के, यानी जो स्मोकिंग से जो धुआं होता है उसके कितने टाइप्स होते हैं और टाइप्स ऑफ स्मोकर। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, यानी क्या नुकसान है अगर आप स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान करते हैं, तो उसका आपके शरीर पे क्या नेगेटिव असर आता है, क्या नुकसान होते हैं। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इसका ट्रीटमेंट पार्ट, मेडिकेशन पार्ट, और कैसे आप इसको क्विट कर सकते हैं, हाउ टू क्विट स्मोकिंग, यानी धूम्रपान को आप कैसे क्विट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रखेंगे इसमें आपका व्हाट इज़ स्मोकिंग, कि स्मोकिंग क्या है। देखिए, स्मोकिंग एक है प्रैक्टिस, हम इसको कहते हैं कि एक प्रैक्टिस होता है जिसमें आप जो टबैको होता है, तंबाकू होता है, किसी भी फॉर्म में आप लेते हैं, सिगरेट के फॉर्म में या किसी और भी फॉर्म में लेते हैं, उससे क्या होता है कि आपको एक टेस्ट आ जाता है और बर्न टबाकू जिसको हम कहते हैं वो लिया जाता है और आप यूज्ड हो जाते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं उसके लिए, और धीरे धीरे आपका बॉडी उसके लिए यूज्ड हो जाता है और वो बर्न टबाकू का टेस्ट आता है और उस इस तरह से आप उसको कंटिन्यू करते हैं, तो उसको हम स्मोकिंग कहते हैं। जो कॉमनेस्ट स्मोकिंग देखा जाता है वो होता है सिगरेट फॉर्म, यानी सिगरेट वाला जो फॉर्म है वो आजकल कॉमनेस्ट देखा जाता है, सिगरेट स्मोकिंग। फिर हम इसमें डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ स्मोक्स, यानी स्मोक्स के कितने टाइप्स होते हैं, स्मोक यानी कि जो धुआं होता है उसके कितने टाइप्स होते हैं। देखिए, आप लोगों ने सुना भी होगा कि जो स्मोकिंग है वो उनके लिए तो नुकसान है ही है जो स्मोकिंग करते हैं, लेकिन स्मोकिंग से उन लोगों को भी नुकसान होता है जो आपके आसपास होते हैं, जो आपके सराउंडिंग, जो आपके अराउंड इधर उधर बैठे होते हैं, जो स्मोक नहीं कर रहे होते हैं। तो इसलिए आज स्मोकिंग के बारे में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने साथ साथ, देखिए दूसरों का भी नुकसान होता है इसमें, तो यही हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है मेन स्ट्रीम स्मोक, यानी जब भी आप स्मोकिंग करते हैं, जैसे सिगरेट होता है, तो जो भी स्मोकर्स होते हैं जो स्मोकिंग करते टाइम, एक तो उनका धुआं जो है अंदर जाता है, वो इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं, और एक धुआं साइड से निकलता है, तो जो धुआं अंदर जाता है उसको हम कहते हैं मेन स्ट्रीम स्मोक, यानी कि जो अंदर जाता है। देखिए, जो कुछ थोड़ा सा धुआं है जो साइड में निकल जाता है स्मोक, उसको हम कहते हैं साइड स्ट्रीम स्मोक। तो देखिए, ऐसा बिलीव है, ऐसा माना जाता है कि जो साइड स्ट्रीम स्मोक है वो डबल डेंजरस होता है आपके मेन स्ट्रीम स्मोक से। क्यों? क्योंकि उसमें आपका डबल कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है, डबल ही आपका टार होता है और डबल ही उसमें आपका निकोटीन होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, आपका जो सिगरेट होता है या किसी भी फॉर्म, उसमें आपका सिगरेट में फिल्टर लगा होता है, तो जो बंदा उसको स्मोक कर रहा होता है उसमें तो वो फिल्टर होके जाता है, बट जो साइड से जो धुआं जाता है वो फिल्टर नहीं होता है, इसलिए उसमें स्मोकिंग वो ज़्यादा हार्मफुल है। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि आप स्मोकिंग को, स्मोकर्स को तो नुकसान करता ही है जो एक्टिवली करता है, साथ में जो आसपास सराउंडिंग वाले जो लोग हैं उनको भी ये डबल नुकसान कहता है, यानी ज्यादा नुकसान साइड वालों का होता है। अब हम इसमें बात करेंगे सेकंड हैंड स्मोकर्स की, कि सेकंड हैंड स्मोकर्स क्या होते हैं। देखिए, एक तो हो गया आपका एक्टिव स्मोकर्स, यानी जो बंदे स्मोक करते हैं। सेकंड हैंड का मतलब है जो स्मोक तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिनको जो सिगरेट से जो साइड से धुआं आ रहा था या जो स्मोकिंग कर रहे हैं बंदे, वो धुआं जो एक्सहेल करते हैं, जो बाहर निकालते हैं, ये जो दोनों धुआं आपस में मिल के साइड वाले बंदों को जो अफेक्ट करते हैं, दूसरे पर्सन को, उसको हम कहते हैं सेकेंड हैंड स्मोकर्स। अब बात आती है इसमें थर्ड हैंड स्मोक्स की, थर्ड हैंड स्मोक्स क्या होता है। देखिए, थर्ड हैंड का मतलब होता है कि आपको जो स्मोक, जैसे कि जो टबाको है, किसी भी फॉर्म में टबाको है, किसी ने स्पिट कर दिया, कोई पुराने टबाको के जो रेजिड्यू रह जाते हैं, जो दाग धब्बे गाड़ी पे, दीवारों पे, वो भी पॉइजनस होते हैं, वो भी हार्मफुल होते हैं, तो उसको हम कहते हैं थर्ड हैंड स्मोक्स। तो ये बात करी हमने स्मोक्स की, स्मोकिंग्स की, टाइप्स ऑफ स्मोकिंग्स की। अब हम बात करेंगे इसमें टाइप्स ऑफ स्मोकर्स। देखिए, आपने सुना होगा कुछ लोग बहुत सी स्मोकिंग करते हैं, कुछ लोग कम करते हैं, तो वही हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे नंबर वन पे इनको 5 टाइप्स में रखा जाता है। नंबर वन पे बोला जाता है चेन स्मोकर्स, यानी चेन स्मोकर्स वो लोग होते हैं जो दिन में कम से कम 3 पैकेट इनगल्फ कर जाते हैं, यानी 3 पैक्स वो यूज़ कर लेते हैं, उसको चेन स्मोकर्स कहते हैं। फिर नंबर 2 पे आता है हैवी स्मोकर्स। हैवी स्मोकर्स वो लोग होते हैं जो कम से कम दिन में 2 पैकेट
अनगल्फ कर लेते हैं, यानी कि यूज़ कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। फिर रहता है आपका इसमें मॉडरेट स्मोकर्स। मॉडरेट स्मोकर्स वो होते हैं जो एक या दो पैक यूज़ कर लेते हैं दिन में। और फिर आता है इसमें लाइट स्मोकर्स। लाइट स्मोकर्स वो हैं जो दिन में आधे से एक पैक यूज़ कर लेते हैं। और लास्ट में आता है आपका कैजुअल स्मोकर्स। कैजुअल स्मोकर्स वो होते हैं जो कभी कभार आउटिंग पे फ्रेंड्स के साथ या कभी कभार जो स्मोकिंग करते हैं रेयरली, उनको हम कैजुअल स्मोकर्स कहते हैं, जो बहुत ही एक दो सिगरेट्स जैसे यूज़ कर लिया। तो इनमें सभी से देखिए कैजुअल स्मोकर्स थोड़ा सेफर साइड है, और जो बाकी के हैं वो बहुत ही हार्मफुल साइड्स हैं टाइप्स ऑफ स्मोकर्स में। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग्स, यानी अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अगर आप धूम्रपान करते हैं, तो क्या उसका नुकसान है आपकी बॉडी पे, क्यों आपको ये क्विट करना चाहिए, क्यों ज़रूरी है कि आपको धूम्रपान छोड़ना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को लगता होगा कि शायद स्मोकिंग से सिर्फ आपका मुंह में ही असर आता है, सिर्फ आपका माउथ इफेक्ट होता है और आपका लंग्स इफेक्ट होता है, ऐसा नहीं है। स्मोकिंग से आपकी पूरी बॉडी पे असर आता है, आपकी पूरी बॉडी इफेक्ट होती है स्मोकिंग से। देखिए, होता क्या है कि जैसे अगर आप स्मोकिंग करते हैं, टबाको किसी भी फॉर्म में आप सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका जो टॉक्सिन्स हैं, ऐसा माना जाता है कि सिगरेट में 6000 यानी कि 6000 से ज़्यादा टॉक्सिन्स होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, जिनमें मैं यहाँ पे कॉमन आपको बता देती हूँ, निकोटीन है, टार है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये सभी हार्मफुल टॉक्सिन्स हैं जो आपकी बॉडी में बहुत सा डैमेज करते हैं। तो होता क्या है कि आप जैसे ही स्मोक करते हैं, वो स्मोकिंग आपका जो स्मोक होता है, धुआँ होता है, वो आपके माउथ के थ्रू आपके लंग्स में चला जाता है। लंग्स में क्या होता है, वो वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है, वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है लंग्स में, और वो ब्लड के थ्रू, यानी जैसे ही आपका सर्कुलेशन होता है, ब्लड आपका पूरी बॉडी में ऑब्वियसली सर्कुलेट होता है, तो जो आपके लंग्स से, यानी कि जो फेफड़ों से जो आपके टॉक्सिन्स एब्जॉर्ब हुए थे, जो खून में आए थे, अब वो पूरी बॉडी में ट्रेवल करते हैं। वो कहीं पे भी जा सकते हैं, वो आपके ब्रेन में जा सकते हैं, वो नेक में जा सकते हैं, वो आपके हार्ट में जा सकते हैं, आपके स्टमक में, इंटेस्टाइन में, किसी भी बॉडी पार्ट में वो ट्रेवल कर सकते हैं टॉक्सिन्स। तो यही फैक्ट है कि टॉक्सिन्स जो हैं उसके लंग्स और माउथ के साथ साथ आपकी पूरी बॉडी को वो हार्म करते हैं। तो अब देखिए, अगर वो आपके ब्रेन में जाते हैं तो वो आपको स्ट्रोक कर सकते हैं, और अगर वो आपके लंग्स में है तो लंग्स में तो आपने सुना होगा अस्थमा हो जाता है, लंग्स का कैंसर हो जाता है, क्रॉनिक लंग डिजीज़ हो जाती हैं लंग्स में जाता है। तो अगर वो टॉक्सिन्स आपके हार्ट में जाते हैं, देखिए वो आपके हार्ट की जितने भी ब्लड वेसल्स होती हैं, यानी जो जहाँ से जो नसें होती हैं आपकी, उनको हार्ड कर देते हैं, उनसे अगेन हार्ट अटैक का हार्डनिंग हो जाती है और हार्ट की प्रॉब्लम वहाँ से अराइज होती है। फिर आता है वो स्टमक में जा सकते हैं, और वो देखिए अगर फीमेल स्मोकर्स हैं तो वो फीमेल इम्पोटेंसी भी क्रिएट करते हैं अगर वो रेगुलर जाते हैं, तो अगर वो मेल स्मोकर्स हैं तो वो मेल में भी इम्पोटेंसी क्रिएट करते हैं, यानी बच्चे में पैदा करने में कहीं ना कहीं उनको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। से बात करी हमने इसके स्मोकर्स की, और भी बहुत से हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, यहाँ पे हमने सम अप करे हैं कि इस ये पूरी बॉडी को ही अफेक्ट करता है आपका जो स्मोकिंग है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि स्मोकिंग को क्विट कैसे करें, इतने ज़्यादा इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, बहुत ही नुकसान वाला ये प्रॉब्लम है, तो इसको कैसे क्विट कर सकते हैं। देखिए, क्विट करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहला जो एक टाइप है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, सबसे पहला आता है कि नो आउटसाइड हेल्प। देखिए, कुछ लोग, कुछ पेशेंट, इवन क्लिनिक में भी कुछ ऐसे पेशेंट आते हैं जो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ, हम चाहते हैं क्विट करना, बट हो नहीं पाता, यानी विलिंगली उन्होंने डिसाइड कर लिया है बट वो एडिक्टेड हैं, यूज जो है कि वो कर नहीं पाते हैं, तो उसके लिए उसको हम कहते हैं नो आउटसाइड हेल्प। ये काफ़ी हद तक इफ़ेक्टिव भी होता है, कुछ लोग इसमें सक्सेस भी होते हैं बट कुछ लोग नहीं हो पाते हैं। तो सेकंड आता है आपका बिहेवियर थेरेपी। देखिए, बिहेवियर थेरेपी में आप एक काउंसलर की हेल्प ले सकते हैं, आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको स्मोकिंग क्विट करना है, तो आप एक काउंसलर की हेल्प ले सकते हैं। काउंसलर आपकी हेल्प कर सकते हैं कि कब आपको क्रेविंग होता है, तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या कॉजेज़ हैं जो स्टिमुलेशन आपको देते हैं, तो उसको आप कैसे गेट रिड कर सकते हैं। थर्ड पे आता है आपका कुछ सप्लीमेंट्स कह सकते हैं, या फिर कुछ रिप्लेसमेंट, जिसको निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी कहा जाता है। निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी आजकल बहुत से फॉर्म्स में आते हैं, जैसे कुछ स्प्रे होते हैं, कुछ टैबलेट्स होती हैं, कुछ
ये लोग गम्स होते हैं तो वो आपको दिए जाते हैं रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए, कि उस जब भी आपको क्रेविंग होता है, जब भी आपका मन करता है स्मोकिंग का, आप वो यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि आपका एक जो क्रेविंग है वो भी कम हो जाता है और आपको हार्म भी नहीं होता है। और लास्ट में आता है आपका मेडिकेशन। देखिए, आप ये सभी यूज़ कर सकते हैं और फिर भी अगर आपको कोई बेनिफिट नहीं होता है तो आप मेडिकेशन पे आ सकते हैं। मेडिकेशन पे आप एक डॉक्टर की हेल्प ले सकते हैं। मेडिकेशन में यहाँ पे हम बीइंग ए होम्योपैथ फिजिशियन, मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी कि होम्योपैथी में क्या क्या मेडिसिंस हैं और कैसे वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, होम्योपैथी ही क्यों यूज़ करें, अभी हमने यहाँ पे डिस्कस करा था कि इसके हार्मफुल इफेक्ट यानी इसके नुकसान आपकी पूरी बॉडी को होते हैं। तो होम्योपैथी के एक ऐसा सिस्टम है, नेचुरल साइंस है, जिसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं और इसका होलिस्टिक अप्रोच रहता है। होलिस्टिक अप्रोच यानी कि ये आपके पूरे ऑर्गन्स पर, पूरी बॉडी पर वर्क करता है। तो आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं होम्योपैथी में, मैं यहाँ पे पिक्चर से ऐड कर देती हूँ, आप लोग चेक कर लीजिएगा। कुछ मेडिसिन जैसे डॉक्टर रेग्वेक की R77 करके ड्रॉप्स आती है और बैक्सन कंपनी है उसका भी गोटॉक्स करके एक मेडिसिन आता है, मैंने यहाँ पे पिक्चर्स लगा दी हैं, आप चेक कर लीजिए। और स्वाबे कंपनी है एक होम्योपैथिक कंपनी, उसका डेफिनी इंडिका आता है। ये सभी मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव रही हैं और ये पेटेंट मेडिसिन हैं, इन क्लिनिक पेशेंट में ये बहुत निकलती हैं। और लास्ट में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल या कुछ डाइल्यूशंस होते हैं, जैसे कैलेडियम है, लोबेलिया है, ये भी मेडिसिंस हैं जो स्मोकिंग में आपकी हेल्प कर सकती हैं। आई होप ये वीडियो आपकी हेल्प कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स।